नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेश दमन दीव लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल 5,084 वोटों से जीते, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लालूभाई पटेल को करारी हार का सामना करना पड़ा। दमन दीव में एक भी भाजपा नेता सक्रिय नहीं था। प्रशासक की तानाशाही के खिलाफ जनता का फैसला, जैसा उमेश पटेल ने बताया। सिलवासा बाल देवी में अब रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी पहाड़ी खुदाई होते लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। वलसाड़ डांग लोकसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल 2,10,704 वोटों की भारी बढ़त के साथ जीते। धवल पटेल को 7,64,226 वोटों के मुकाबले कांग्रेस के अनंत पटेल को सिर्फ 5,53,522 वोटों से करारी हार मिली। गुजरात में कांग्रेस का खात्मा, बीजेपी ने 26 में से 25 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बनासकांठा में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश दमन दीव लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल 5,084 वोटों से जीते। केंद्र शासित प्रदेश दमन में एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में पुलिस की उपस्थिति के बीच लोकसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण वातावरण में की गई। निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल शुरुआत से ही आगे थे। निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल ने भाजपा के उम्मीदवार लालूभाई पटेल को हराकर 5,048 वोटों से जीत हासिल की, जबकि भाजपा के उम्मीदवार लालूभाई पटेल को हार का सामना करना पड़ा। उमेश पटेल को विजेता बनाने में दमन दीव के लोगों सहित मतदाताओं का बड़ा योगदान था। विजय के बाद उमेश पटेल ने कहा कि दमन में भाजपा का एक भी नेता सक्रिय नहीं है और जनता का निर्णय प्रशासक की तानाशाही के खिलाफ आया है और दीव की जनता ने दमन के लिए अधिक मतदान किया है। लोकसभा चुनाव 2024 दोपहर के 3 बजे तक के परिणामों पर नजर डाले तो भाजपा को 242 सीटें मिली। दमन में भाजपा ने एक सीट खो दी। भाजपा के उम्मीदवार लालूभाई पटेल ने कहा कि वे लगातार 3 वर्षों से जीत रहे थे और आज उन्होंने जनता के निर्णय को स्वीकार किया। जनता से जनता ऊपर अपने छोड़ी मूकेलू, अपने काम करते रहे छे। 3 સાંસદ બનાવ્યો, મને સરપંચ ભી હતો, લોકોને કામ કર્યાના હજી કામ કરીશ, લોકોને એવું કઈ ને પાછી થાય સ્વીકારવા પડે। આપણે દીવની અંદર જે લીડ જોવા મળી તેમાં કઈ ખાસ લાગે? આજે ભાઈ મેજર મેજર અફસર 4,000 વખત જીતી, શું કમી રહી ગઈ હતી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં? હા, ઉમેશ પટેલ કમી રહી ગઈ તો લોકોને શું પૂછવાનું, કઈ કમી હશે તો એ લોકોને ખબર। આપણે તો દરેક કામ કર્યું છે ને કરવાના છે। जिस हिसाब से परिणाम आया है लालू भाई, क्या संतोष है भाजपा का? जिस हिसाब से दमन दीव का परिणाम आया उसमें संतोष तो क्या बात करें, लेकिन काम हम लोग ने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी दमन के ऊपर बहुत दमन दीव से ऐतिहासिक जीत माटे शू कहो? जीत जनता नहीं है, अने आ जीत जे छे ए जनता ने समर्पित छे। हूँ एकलो मानस हतो, हूँ तो एकलो ज लड़तो हतो। जनताए खूब प्रेम थी वोट आप्या, अने अहींया जे तानाशाही हती, लोको जे आक्रोशित हता, अने आनाथी आपणे लेसन भी लेवानुं छे। जे रीते लालूभाई जे वखते जीत्या हता, केटला वोटोथी जीत्या हता, आजे लालूभाईए हारनो सामनो करवो पड्यो तो खाली अने खाली एटले कि ज्यारे जनता दुखी हती, तकलीफमां हती, त्यारे लालूभाई बोल्याने। અને જે પણ દમણદીવની સમસ્યા હતી અને જે સમસ્યા માટે નિવારણ કરવાનું હતું કે જેથી અધિકારીઓ સાથે સમન્વય કરવાનો હતો, પ્રજા અને પ્રશાસનનું કામ વચ્ચે જે પ્રતિનિધિઓ હોય એને સમન્વય કરવાનો હતો, તો પ્રશાસન અને પ્રજા વચ્ચે જે ખાઈ મોટી થતી ગઈ તેના માટે જવાબદાર લાલુભાઈ હતા, અને તેના ફળસ્વરૂપ આજે જનતા જનાર્દને એક ફેસલો આપ્યો અને ઐતિહાસિક ફેસલો આપ્યો કે આપણા દમણદીવમાં તો એમ કહેવાય ને કે ભાઈ વગર પૈસે તો ચૂંટણી જીતાય જ નહીં, ખાવા પીવાનું ને રોકડું બોકડું ને કુકડું તેના વગર વોટ નહીં મળે। અને મારી દમણદીવની જનતાએ ખૂબ જ પ્રેમથી મને એક ઐતિહાસિક ફેસલા તહત મને ચૂંટણીમાં જીતાડ્યો છે, તો આપ સૌના માધ્યમથી મારી દમણદીવની જનતાને તહે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને તેમને વિશ્વાસ અપાવું છું કે હું તમારો જનપ્રતિનિધિ, તમારો નોકર બનીને, તમારો સેવક બનીને 5 વર્ષ સુધી હું
સતત કામ કરતો રહીશ. કેટલા મતથી તમે જીતા છો? 7226 વોટથી આપણે જીત્યા છે અને દમણ કરતા વધારે વોટ મને દીવથી મળ્યા છે. દીવમાં મને લગભગ 7000થી વધારે વોટ વધારે મળ્યા. इसमें वही कह रहा हूँ, ये 15 साल का शासन था भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से 8 साल से नए प्रशासक जी आए, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को आक्रोशित किया, लोगों को दुख दिए, तकलीफ दी, पीड़ा दी, तो ये आक्रोशित होकर लोगों ने जनादेश दिया. और ये हर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशासक जी की भी है कि उनकी नीतियों की है. आज जो ये हार हुई है तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि दमन दीव की जनता कितनी इनसे त्रहित थी, दुखी थी, पीड़ित थी. सिलवासा बाल देवी में अब रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी पहाड़ी खुदाई होते लोगों में आक्रोश देखा गया है. सिलवासा की बाल देवी में रात के समय पहाड़ की अवैध खुदाई का मामला अब पुराना हो गया है. नई बात यह है कि अब दोपहर में जेसीबी के द्वारा पहाड़ खोदा जा रहा है. दोपहर के 2:30 बजे जेसीबी द्वारा पहाड़ की खुदाई और 2 डंपर द्वारा मिट्टी और पत्थरों का परिवहन होते देखा गया. जब घटना स्थल पर पहुंचे तो खुदाई करने वाले वहां से भागने लगे. अब तो यहां मामलतदार भी छापे मारने नहीं आते. कब तक और कितने छापे मारेंगे? पहाड़ खोदने वाले व्यक्ति की पहुंच उनसे भी ज्यादा है. जिले के प्रशासनिक अधिकारी को भी खबर होगी. हर व्यक्ति लाचार है ऐसी चर्चा है. साईं भैया कोतवाल तो फिर डर कैसा, इसलिए वे खुदाई में लगे हुए हैं. अन्ना हजारे के स्वघोषित उत्तराधिकारी भी मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करके चुप है. इस बहादुरी का फल पाने के बाद वे बार बार वनवास में जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में दानह में जमीन माफियाओं ने पूरे पहाड़ों को खोद कर गायब. इन दिनों पूरे दानह में अवैध खनन चरम सीमा पर है. वलसाड डांग लोकसभा सीट चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल 2,10,704 वोटों की भारी बढ़त के साथ जीते. वलसाड के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में वलसाड डांग लोकसभा सीट के चुनाव परिणामों की गणना सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई थी. पोस्टल वोटों की गणना के बाद ईवीएम खोले गए थे और भाजपा के धवल पटेल को 7,64,226 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अनंत पटेल को केवल 5,53,522 वोट मिले. जहां 2,10,704 वोटों की भारी बढ़त से धवल पटेल विजेता घोषित किए गए. धवल पटेल को कार्यकर्ताओं ने जीत का स्वागत किया था. जीत के लिए धवल पटेल ने कहा था कि यह जीत मेरे कार्यकर्ता, संगठन और मतदाताओं की है, और उन्होंने वलसाड को विकसित वलसाड बनाने की बात कही थी. धवल पटेल ने चुनाव की शुरुआत लोकसभा उम्मीदवार के रूप में की थी और आज वलसाड की सीट पर विजेता घोषित हुए और उनके नरेंद्र मोदी जी के करीबी होने की बातें लोगों में चल रही है. मूलवासदा और सूरत में रहने वाले धवल पटेल को अंत में वलसाड लोकसभा सीट के सांसद के रूप में लोगों ने भाजपा के धवल पटेल को चुना और वलसाड डांग सीट से 2,10,704 वोटों की भारी बढ़त से विजेता होने पर मोदी जी का आभार व्यक्त किया. और राजकोट की गेम जोन अग्निकांड की घटना को लेकर वलसाड में विजय जुलूस भाजपा ने स्थगित रखा. तब गुजरात में कांग्रेस का सफाया हो गया, जिसमें 26 में से भाजपा ने 25 सीटें जीती, जबकि बनासकांठा में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली. सबसे अधिक नवसारी सीट पर भाजपा के सीआर पाटिल 7,67,000 की भारी बढ़त से विजेता बने. करे 1780 धर्मपुर.
वलसाड लोकसभा में जे अमारी ऐतिहासिक जीत थी है एना माटे अमारा दरेक कर्मठ कार्यकर्ताओ चूंटायेली पाक अमारा धारासभ्य अने खास करीने मतदार भाईओनो खूब खूब आभार मानवा मांगीए छीए कि एमना प्रयास थकी ज अमे वलसाड लोकसभा सीट ऐतिहासिक मार्जिन साथ जीतीने वलसाडथी एक कमळ अमे दिल्ली मोदी साहेबने मोकलवानो छे। બીજું આપણે કાયમ કાયમ જે કહેવત સાર્થક થાય છે એ વલસાડની જીત માટે જી વલસાડ લોકસભા સીટ એ બેરોમીટર સીટ તરીકે જાણી જાય છે જે વલસાડ લોકસભા સીટે છે એ જ કેન્દ્રમાં પણ સરકાર બનાવે છે અને આ વખતે પણ 2024માં આ ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થવાનું છે। વલસાડ લોકસભા સીટ અમે જીતી ગયા છે એ રીતે જ મોદી સાહેબ પણ ત્રીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે। શ્રેય કોણને આપે છે તમે? અમારા દરેક કાર્યકર્તાઓને આનું શ્રેય જાય છે, અમારી ચૂંટાયેલી પાક, અમારા ધારાસભ્ય અને ખાસ કરીને મતદાર ભાઈઓને આનું પૂરેપૂરે શ્રેય જાય છે। संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए सुबह से ही कराड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना शुरू हो गई थी, तब भाजपा उम्मीदवार कलाबेन मोहन भाई डेलकर 57,410 वोटों से विजेता बनी। कलाबेन डेलकर ने भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री को पहले ही जीत की गारंटी दे दी थी, तब 57,410 वोटों के रिकॉर्ड तोड़कर फिर से जीत हासिल करके जनता के भरोसे पर कलाबेन डेलकर खरी उतरी। उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे लोगों की समस्याओं को अपना मानकर बिना किसी डर और झिझक के तुरंत समाधान करेगी। दानह सीट पर कांग्रेस, निर्दलीय, बहुजन समाज पार्टी सहित 5 उम्मीदवार मैदान में थे, तब कलाबेन डेलकर ने बड़ी बढ़त से जीत हासिल करते हुए उनके पुत्र अभिनव डेलकर, महिला शक्ति की बहनों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। वलसाड हाईवे पर दो अलग अलग घटनाओं में दो टेम्पो पलटी खा गए। सौभाग्य से इन दोनों घटनाओं में किसी को भी जान माल की हानि नहीं हुई। इन दोनों दुर्घटनाओं के घटनास्थल से मिली अधिक जानकारी के मुताबिक पहली घटना में सुबह वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 पर शुगर फैक्ट्री के सामने ओवरब्रिज पर एक छोटा हाथी टेम्पो, जिसके ड्राइवर ने ड्राइविंग पर से नियंत्रण खो दिया और टेम्पो ब्रिज की रेलिंग से टकरा गया और टेम्पो पलट गया। जबकि दूसरी घटना में दोपहर के समय आइसर का ड्राइवर, जिसने आइसर टेम्पो में कपड़ा भरकर वापी की ओर से तेज गति से आ रहा था, उस दौरान पारनेरा हाईवे पर रामदेव ढाबा के सामने आइसर टेम्पो का टायर फट गया और टेम्पो पलट गया। सौभाग्य से इन दोनों घटनाओं में किसी को भी जानमाल की हानि नहीं हुई। हालांकि हाईवे पुलिस और वलसाड ग्रामीण पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और दोनों वाहनों को स्थल से हटाकर हाईवे खोलने का काम किया। दमन कटैया माछीवाड़ा में स्थित जय महावीर बजरंगबली मंदिर में 3 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। दमन कड़ैया माछीवाड़ा में स्थित जय महावीर बजरंगबली मंदिर में पितरों की शांति के लिए 3 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया था। समस्त माछी समाज के ऋण को चुकाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया था। ऋंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद, इन 4 वेदों के यज्ञ को पूर्ण किया जाएगा। इस 3 दिवसीय यज्ञ में 5 तारीख को महायज्ञ का भी आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल इस यज्ञ में विशेष भाग लेंगे। समस्त यज्ञ का आयोजन चेतन महाराज के द्वारा किया गया था। संघ प्रदेश दमन दीव लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उमेश पटेल 5,084 वोटों से जीते, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लालूभाई पटेल को करारी हार का सामना करना पड़ा। दमन दीव में एक भी भाजपा नेता सक्रिय नहीं था। प्रशासक की तानाशाही के खिलाफ जनता का फैसला, जैसा उमेश पटेल ने बताया। सिलवासा बाल देवी में अब रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी पहाड़ी खुदाई होते लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। वलसाड डांग लोकसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल 2,10,704 वोटों की भारी बढ़त के साथ जीते। धवल पटेल को 7,64,226 वोटों के मुकाबले कांग्रेस के अनंत पटेल को सिर्फ
553,522 वोटों से करारी हार मिली। गुजरात में कांग्रेस का खात्मा, बीजेपी ने 26 में से 25 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बनासकांठा में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।